एक प्राचीन संस्कृति वाला देश, हाल ही में एक और बाबा का आगमन हुआ। मैं यह नहीं कहता कि एक बच्चा भक्त नहीं बन सकता। जब हम अपने देश भारत की बात करते हैं तो हमें क्या दिखता है? एक प्राचीन संस्कृति वाला देश जहां डाइवर्सिटी के रूप में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे कई धर्म मिलते हैं। लेकिन हमने यह भी देखा है कि इन धर्मों में दो प्रकार के प्रचारक होते हैं। पहले वे जो वास्तव में भक्त होते हैं, जिन्हें सेल्फलेस डेवोटीज कहते हैं, और दूसरे वे जो सिर्फ प्रसिद्धि के लिए धर्म का चोला पहनकर धर्म के ठेकेदार बन बैठते हैं, जिन्हें सेल्फिश डेवोटीज कहा जाता है। हमारे देश में इन सेल्फिश डेवोटीज की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पहले यह केवल बड़े उम्र के फर्जी भक्तों में देखने को मिलता था, लेकिन अब यह कम उम्र के बच्चों में भी देखा जाने लगा है। हाल ही में एक और बाबा का आगमन हुआ है और वो है बाबा अभिनव अरोरा। श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके मुझे विश्वास ही नहीं होता, श्रृंगार करके विश्वास ही नहीं होता। मैं करके जा रहे हो। यह बाबा केवल मात्र 10 साल के हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता लाखों में है। उन्हें 9 लाख से ज्यादा लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं। मुझे संदेह है कि अधिकतर लोग उन्हें उनके एंटरटेनमेंट के लिए फॉलो कर रहे हैं, न कि उनके धार्मिक ज्ञान के लिए। हम कथा सुनाते राम सखल रुड़ राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। अगर आप उनके इंस्टाग्राम हैंडल को देखेंगे तो वहां कॉन्टेक्ट फॉर इवेंट्स का विकल्प भी दिया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि यह सिर्फ मनोरंजन का एक साधन बन गया है। भारत में जहां धर्म को बिजनेस बनाकर लोग इससे पैसा कमा रहे हैं, वहीं चीन, जापान और अमेरिका के बच्चे बड़ी बड़ी स्टार्टअप खड़ी कर रहे हैं। Aloha, sharks. I'm Cassidy Crowley. And I'm Lori Crowley, Cassidy's mom. And we're from Honolulu, Hawaii. I'm seeking $50,000 in exchange for 50% of my company. ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं, खेल कूद और पढ़ाई में सर्वोच्च स्थान हासिल कर रहे हैं। यह दिखाता है कि दुनिया की अन्य शक्तियों के मुकाबले हमारे देश का ध्यान कहां होना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि एक बच्चा भक्त नहीं बन सकता या ज्ञान नहीं दे सकता, लेकिन जब एक बच्चा धर्म के नाम पर ढोंग कर रहा हो और उसके माता पिता भी उस ढोंग को बढ़ावा दे रहे हो, तो यह वाकई में चिंताजनक है। आप इनके सभी पॉडकास्ट वीडियो में देख सकते हैं, ये रटी रटाई बातें बोलते हैं। आध्यात्मिक आपका पैर है और भौतिक हाथ, दोनों ही जरूरी हुए ना। ये हाथ भौतिक है और ये पैर जो है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक ज्ञान आपका पैर, ये हाथ जो है ये भौतिक है। पैर हाथ 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 पैर पैर पैर। लेकिन हाल ही में इनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अभिनव महाराज राम भद्राचार्य से मिलने गए थे। उसी बीच जब अभिनव महाराज जयकार लगाते हैं, तभी राम भद्राचार्य महाराज गुस्सा हो जाते हैं और इन्हें स्टेज से उतारने को कहते हैं। इतने सुंदर हैं, हम लोगों को तो सुंदर बनने के लिए सजावट करनी पड़ती है, श्रृंगार करना पड़ता है, लेकिन भगवान का बहुत बहुत प्रणाम महाराज श्री, इतने सुंदर भाव हम सब लोगों को बताने के लिए। ओम नमो राघवाय। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे देने पर इनको मर्यादा है मेरी। मेरा एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा जी, उसके लिए आप कहेंगे। अरोड़ा वाला वही बात, अभिनव अरोड़ा। इतना मूर्ख लड़का है वो। अभिनव महाराज के वकील का कहना है कि सारे यूट्यूबर्स बच्चे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको कौन बताए कि बदनाम करने वाले तो इनके पिता हैं, जिन्होंने बच्चे को पॉपुलरिटी की आड़ में रटी रटाई स्क्रिप्ट बुलवाकर बदनाम करने का इंतजाम किया है। अब कुछ लोग कहेंगे, दिक्कत क्या है, अगर वो बच्चा बाबा बन रहा है तो वह सनातन धर्म का प्रचार ही तो कर रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर भारत के 37 करोड़ बच्चों में से ज्यादातर ऐसे ही बाबा बनने लगे तो हमारे देश का भविष्य क्या होगा? ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह के दिखावे से आस्था का मजाक बनता है और इसका असर सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित नहीं रहता,
बल्कि समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग 80% लोग धर्म का पालन करते हैं, लेकिन अगर धर्म का यह स्वरूप मनोरंजन में बदलता गया तो इसका असर पीढ़ियों पर पड़ेगा। धर्म और आस्था का सच्चा रूप आत्म साक्षात्कार और सही मार्गदर्शन है, न कि मनोरंजन का साधन। अगर हम अब भी नहीं जागे और इस ढोंग को पहचान कर इसे नहीं रोका तो भविष्य में हमारे बच्चों का ध्यान शिक्षा, विज्ञान और विकास से हटकर केवल दिखावे और प्रसिद्धि की ओर जाएगा। इसलिए अब समय आ गया है कि हम सोचे और समझे कि धर्म की आड़ में जो बाबाओं की नई पीढ़ी पैदा हो रही है वह किस दिशा में जा रही है और हमें किस दिशा में जाना चाहिए। धर्म को आस्था और आदर्शों का प्रतीक बनना होगा, न कि ड्रामा और मनोरंजन का। इतना मूर्ख लड़का है वो,